शिकारी से पर्यावरण संरक्षणवादी बने जिम कॉर्बेट की 149वीं जयंती गुरुवार को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में मनाई गई। कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के सचिव मोहन पांडे ने कहा, जिम कॉर्बेट ने इस पार्क में बहुत बड़ा योगदान दिया है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के साथ साथ यह पार्क पर्यटन क्षेत्र में राजस्व उत्पन्न करने का भी काम करता है। जिम कॉर्बेट ने 31 वर्ष की आयु में 19 आदमखोर बाघों और 14 आदमखोर तेंदुओं को मार गिराया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने 6 पुस्तकें भी लिखी जो बाद में बहुत लोकप्रिय हुई। 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में जन्मे वे एक प्रसिद्ध शिकारी के रूप में जाने जाते थे, लेकिन बाद में वे एक संरक्षणवादी बन गए और भारत में कई राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना की। एडवर्ड जेम्स जिम कॉर्बेट को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने आदमखोर बाघों को मारने के लिए बुलाया था। उस समय गढ़वाल और कुमाऊं में आदमखोर बाघों ने आतंक मचा रखा था। 1907 में चंपावत में एक आदमखोर बाघ ने 436 लोगों को मार डाला था। जिम कॉर्बेट ने ही लोगों को आदमखोर बाघों के आतंक से बचाया था। जिम कॉर्बेट ने साल 1915 में स्थानीय व्यक्ति से कालाढूंगी क्षेत्र के छोटी हल्द्वानी में जमीन खरीदी। सर्दियों में रहने के लिए जिम कॉर्बेट ने एक घर बना लिया और 1922 में यहाँ रहना शुरू कर दिया। गर्मियों में वो नैनीताल में गर्मी हाउस में रहने के लिए चले जाया करते थे। उन्होंने अपने सहयोगियों के लिए अपनी 221 एकड़ जमीन को खेती और रहने के लिए दे दिया, जिसे आज कॉर्बेट का गांव छोटी हल्द्वानी के नाम से जाना जाता है। उस दौर में छोटी हल्द्वानी में चौपाल लगा करती थी। आज भी देश विदेश से सैलानी कॉर्बेट के गांव छोटी हल्द्वानी घूमने के लिए आते हैं। साल 1947 में जिम कॉर्बेट देश छोड़कर विदेश चले गए और कालाढूंगी स्थित घर को अपने मित्र चिरंजी लाल को दे दिया। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश विदेश में बाघों के घनत्व के साथ ही अन्य वन्य जीवों के लिए चर्चित है। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट को इस दुनिया से गए आज करीब 68 साल हो गए हैं। आज भी उनके नाम पर रामनगर व आसपास के क्षेत्रों में कई प्रतिष्ठान, रिजोर्ट और यहां तक कि सैलून की दुकानें भी चल रही हैं। आज भी व्यवसाय करने वाले कहते हैं कि जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर में अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए आज भी वे जिंदा हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पार्क वार्डन अमित वासाकोटी ने बताया कि पूरे दिन कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर पौधारोपण अभियान भी चलाया गया। उन्होंने बताया पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी और इसका मूल नाम हैली नेशनल पार्क, जिसे तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर सर मैल्कम हैली के नाम पर रखा गया था। आज जिम कॉर्बेट साहब का 149वां जन्मदिवस हम मना रहे हैं, तो कॉर्बेट ग्राम विकास समिति, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और समस्त ग्रामवासी मिलकर इसको हम हर साल मनाते हैं, तो इस बार भी हम मना रहे हैं। तो जिम कॉर्बेट एक बड़े शिकारी हुआ करते थे, शिकारी होने के साथ साथ वो अच्छे इंसान भी थे, तो उनके द्वारा बनाई गई बहुत सारी हेरिटेज यहाँ पे आज भी मौजूद है। ये उनका घर है जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा उनका विलेज है यहाँ पे छोटी हल्द्वानी, जहाँ पे उनके द्वारा बनाई गई चौपाल है, मोती हाउस है, एक वॉल है, इसके अलावा यहाँ पे एक कैनाल है जहाँ पे जो है वो फोटोग्राफी किया करते थे। सारी लेगेसी हमारे पास है। तो जिम कॉर्बेट ने 6 बुक लिखी है, 6 किताबें लिखी हैं, जिसमें उन्होंने यहाँ की कहानियां लिखी हुई हैं, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के जंगल के बारे में, यहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में। उसको पढ़ के लोग देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो उससे हम स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर लोग एज ए नेचर गाइड यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर होम स्टे लोग चला रहे हैं, सोविनर का काम कर रहे हैं, तो सारे लोगों को यहाँ पर जिम कॉर्बेट के नाम से जो है काफी यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जिनको जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट या प्यार से हमारे यहाँ कुमाऊं में गोरा साधु कहा जाता था, उनका 149वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है और ये हम लोगों के लिए हर्ष की बात है कि वो हमारे आसपास रहे और उनकी जो स्मृतियां हैं वो हमारे आसपास शेष हैं, तो हमारे लिए एक पर्व की तरह होता है। जिम कॉर्बेट का जन्म दिवस हर वर्ष 25 जुलाई को मनाया जाता है धूमधाम से, चाहे वो कालाढूंगी हो चाहे कॉर्बेट हो, क्योंकि इस क्षेत्र से काफी विशेष लगाव था उनका और साथ ही साथ उन्होंने जो योगदान यहाँ के लिए किया जिसका कि आज तक हम लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। जो विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसको आज जाना जाता है, वो ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था और उसके पीछे एकमात्र जो सबसे बड़ी फोर्स थी वो थी जिम कॉर्बेट। हालांकि शुरू में शिकारी थे, बाद में उन्होंने संरक्षण का कार्य किया और केवल एक वो शिकारी या संरक्षणवादी नहीं थे, बेहतरीन व्यक्तित्व के स्वामी थे और काफी गरीब परिवार से आते थे, उसके बावजूद स्थानीय लोगों की मदद के लिए आगे रहते थे। जो काम उन्होंने किया आज उसकी वजह से यहाँ पर जो कॉर्बेट है उसके आसपास रामनगर शहर हो या नैनीताल हो, काफी रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। और दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे, अगर उन्होंने 1936 में इस पार्क को बनाया ना होता तो शायद आज न इतने बाघ होते यहाँ पर, न ही इतने लोग यहाँ से रोजगार पा रहे होते। आज जिम कॉर्बेट महोदय की जयंती मनाई जा रही है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत। इसमें आज सुबह में हमने धनगढ़ी स्थित इंटरप्रिटेशन सेंटर में कॉर्बेट की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। वहां पर GIC ढिकुली के बच्चे आके उनका म्यूजियम का विजिट कराया गया है और जन जागरूकता एक वार्ता की गई है। इसी क्रम में कालागढ़ हमारा ट्रेनिंग सेंटर है,
वहां भी प्रशिक्षु वन दरोगाओं के माध्यम से जिम कॉर्बेट की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है और जन जागरूकता, मानव वंगी संघर्ष और जिम कॉर्बेट के जीवन पर विस्तार से चर्चाएं की गई हैं। और तीसरा एक जिम कॉर्बेट संग्रहालय है कालाडूंगी में, तो वहां भी इसी तरीके के कार्यक्रम किए गए हैं।